एक ऐसी स्टेट जहां पर नीट में 200 से कम मार्क्स आने पर भी आपको एमबीबीएस में कंफर्म एडमिशन मिल सकती है। सिर्फ कंफर्म एडमिशन ही नहीं बल्कि इंडिया में सबसे कम बजट में एडमिशन मिल सकती है। मिनिमम बजट कितना जाएगा अगर आपके नीट में कम भी मार्क्स आए? ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ मिला के जो कंप्लीट एमबीबीएस कोर्स मतलब 4.5 साल का जो टोटल खर्चा है 65 लाख से लेके 70 लाख के बजट में आप अपनी एमबीबीएस पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टेट बिहार की। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बिहार के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उन कॉलेजेस की ट्यूशन फीस क्या है, कितनी एमबीबीएस की सीट्स हैं, कॉलेज परमिटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, कोई कॉलेज में अगर माइनॉरिटी का बेनिफिट आपको मिल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कब की है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके नीट में कितने मार्क्स आए हैं या फिर नीट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट गेटिंग द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज शिप्रा गोयल, वेलकम टू मेडिपीडिया। तो सबसे पहले जब भी हम बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो नंबर वन पे आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार में लोकेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1987 का एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है। अगर ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो 9,35,000 की ईयरली ट्यूशन फीस है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। टोटल 150 एमबीबीएस की सीट्स है। अगर हॉस्पिटल बेड की बात करें 600 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, कटिहार हॉस्पिटल है यहाँ पर। जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर नीट में कम मार्क्स आने पर भी एडमिशन में बेनिफिट मिल सकता है। तो सेकेंड कॉलेज की हम लोग बात करते हैं, दैट इज योर माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। इसकी जो ट्यूशन फीस है 9,63,000 की ईयरली ट्यूशन फीस है। 1990 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। 100 एमबीबीएस की सीट्स है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है। अराउंड 1500 की डेली ओपीडी देखने को मिलती है। मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो फूडिंग की क्वालिटी है वो भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। पीजी की सीट्स अवेलेबल है। रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। ये एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। अगर आप सिख माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो नीट में कम मार्क्स यानी कि 200 से 250 प्लस मार्क्स आने पर भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। मेडिपीडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इस कॉलेज में सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी इन स्टेट्स के भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की है जिसमें आप सिख माइनॉरिटी में क्या क्या बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे जाकर चेक कर लीजिए। थर्ड जो हम कॉलेज की बात करेंगे, दैट इज योर नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम। यहाँ पर अगर देखें टोटल 250 एमबीबीएस सीट्स हैं। 2008 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो 10.38 लाख की ईयरली ट्यूशन फीस है। फोर्थ कॉलेज की हम लोग बात करते हैं, लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज जो कि सहरसा में है। ट्यूशन फीस 12 लाख रुपए की है सालाना। 2019 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। टोटल 100 एमबीबीएस सीट्स हैं। तो ये एक परमिटेड मेडिकल कॉलेज है एंड ये सहरसा लोकेशन पर आता है। नीट में अराउंड 250 मार्क्स लाने पर भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि पटना के पास आता है। अगर यहाँ के ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो 16.25 लाख की ईयरली ट्यूशन फीस है। 2020 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। टोटल यहाँ पर 100 एमबीबीएस सीट्स हैं। इस कॉलेज की फीस एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार थोड़ी सी ज़्यादा है, बट क्योंकि लोकेशन बेटर है तो जिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बजट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बट वो पटना के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्स हम लोग बात करते हैं श्री नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा में है। 2021 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ पे 13 लाख पर ईयर की है। कॉलेज का फीडबैक काफी अच्छा मिला है। मेडिपीडिया के भी काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के नीट में मार्क्स 200 से कम है वो स्टूडेंट भी इस कॉलेज के ऑप्शन के लिए देख सकते हैं। देन सेवन्थ हम लोग बात करते हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो कि मधुबनी में है। अगर यहाँ के टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करते हैं तो 150 एमबीबीएस सीट्स हैं।
2019 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो 14 लाख की ईयरली ट्यूशन फीस है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर बिहार में दो मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, पहला मैंने आपको बताया कटिहार, दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज। बट कटिहार मेडिकल कॉलेज की माइनॉरिटी होने के बावजूद भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। मधुबनी में आपको नीट में कम मार्क्स आने पर भी एडमिशन मिल जाएगी। लास्ट हम लोग बात करते हैं राधा देवी जगेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 10 लाख की है। देन 150 MBBS सीट्स हैं, परमिटेड कॉलेज है, 2021 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। मुजफ्फरपुर लोकेशन पे है ये मेडिकल कॉलेज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नीट स्कोर पर इंडिया में कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल सकता है, जहां पर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, OPD अच्छी है, PG की सीट्स है, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, आपके नीट के मार्क्स पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कम से कम बजट में कौन सा मिल सकता है, उसके लिए मेडिमीडिया की टीम आपको हेल्प कर सकती है। मेडिमीडिया की टीम को नीट काउंसलिंग के सारे सीक्रेट्स पता है, उसके लिए आप मेडिमीडिया टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।